वेलकम टू कजाकिस्तान यारो। आज हम लोग आए हैं अपना शहीद स्मारक प्रियंका गांधी जी का। और मैं तो सोचा था बहुत कम भीड़ होगी, लेकिन इधर आके जब भाई स्टेज लगा दिए हैं, देखो कार्यकर्ता बन के भाई तहे दिल से लगे। कुछ कहना चाहूँ क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, हम लेजेंडरी से आए हुए हैं और हमारा दूध पूरी दुनिया में मतलब फेमस है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर आए सेवा कार्यकर्ता से। और मैं बता रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का बांट रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, एक बार पूरा जोरदार नारे के साथ मुजाहिद कर दीजिए आसमान को, ये मैसेज जाना चाहिए, ये जाना चाहिए समाचार माँ कौशल की राजधानी जबलपुर से। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, हमारी बहनों को, हमारी बहनों को फॉर्म प्रियंका जी खुद दस्तखत करके दे रही है। और मैं भाजपा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो दस्तखत प्रियंका गांधी जी कर रही है वो कांग्रेस की सरकार बनने पर अंतिम नकीर है। आते हुए पूरे नर्मदा में उत्खनन का कंप्लीट बंद होगा, अदरवाइज हम इसको जिस जगह हम अपने मुझे भगवान श्री सीताराम जी के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद वहां पे मिला। और वो जब गदा उनकी वहां पर चली तो उसका नतीजा आप सबने देखा। तो अब मध्य प्रदेश की बारी है और प्रभु राम के सबसे बड़े अनंत भक्त हनुमान जी की गदा कर्नाटक के बाद संस्कारधारी जबलपुर में भी आ चुकी है। कड़कती हुई धूप में आप यहाँ पे घंटों से खड़े हैं, मैं आपके और उनके बीच में अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि प्रियंका दीदी आप हमारे बीच में आए, हम सबका सौभाग्य है। और ये मां नर्मदा के अंचल में बसी जबादी ऋषि की तपोभूमि आचार्य विनोबा भावे जी की संस्कार धारी पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है।
इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांटिया भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया, इसलिए आज यहां खड़े होकर हम आराध्य बड़ादेव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है। भारत की यहां इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहां लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए, इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में, पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। आज तक ना मैंने अपने जीवन में घोटाला कभी नहीं देखा, आज का घोटाला, टेंडर का घोटाला, टीवी से वितरण का घोटाला, कितने सारे नंबर बड़ा पंखा यार, मैंने कोई जीवन में पहली बार पंखा देखा इतना बड़ा। भीड़ दिखा रहा था, देखो ये पैसे लूटने में पड़ जाते हैं, देखो भीड़ तो पब्लिक पीछे छूट जाती है। हम आए थे ब्लॉग बनाने, ठीक है, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आए हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे ही मेरे बोलते भैया मेरे को ब्लॉग बनाना। मैंने कहा जरूर आ, तुम ही लोग तो हो जो आगे बढ़ाओगे। तो भाई क्या नाम है आपका? इसका नाम प्रथम है, आपका नाम? आप ये मुझे बता दीजिए ब्लॉगिंग करना चाहते हैं प्रथम आप? तो अभी अभी कितने साल के? 14 साल के, और इतनी सी उम्र में इनका इतना मोटिवेशन रहता ना भाई, अपन ने तो अभी अभी शुरू करी, लेकिन अगर आप लोग तो यही याद सबको सपोर्ट करो, सभी लोग आगे बढ़े और भाई को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो, ठीक है भाई? तो ऐसे ही सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आज तक पूरा ब्लॉग रहने वाला प्रियंका गांधी जी जबलपुर में आई है आ गए ताऊ आ गए हाँ आ गए तो जो सत्ता में वास्ता रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई बताऊंगी जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया। और कई दिनों के बाद मेरे को ब्लॉग बनाने का मौका मिला और इतने सारे लोगों के भी देख रहे हो, इतने सारे थोड़ी फिर सभी से इंतजार रहता था ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉग बनाने का। तो चलो चलते हैं, आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। जितने भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ब्लॉग को पहुंचा। चलो।